बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा जहलमी का एक शगिर्द है जिसका नाम है हम्माद अख्तर चीमा। उसने फेसबुक पर कुछ ही देर पहले मिर्ज़ा जहलमी का एक क्लिप अपलोड किया है जिसमें मिर्ज़ा जहलमी इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह का वाकया बयान कर रहा है। इमाम निसाई रहमहुल्ला, जिनकी ये सुन निसाई पड़ी हुई है मुस्लिम के नीचे। मिर्ज़ा जी, लफ्ज़ निसाई नहीं होता बल्कि नसाई होता है, सुनन नसाई, इमाम नसाई। उन्होंने फिर इरादा किया कि मैं हजरत अली के फजाइल पे किताब लिखूं। उन्होंने किताब लिखी खसाइसे अली, और उन्होंने जब दर्श शुरू किया तो वहाँ पे लोग नास भी बैठे थे। उन्होंने कहा जी हजरत मुआविया की शान में भी कोई हदीस बयान करें, तो उन्होंने पहले मेरे लिए गाल की थी कि यार मेरी जुबान बंद रह दो। उन्होंने कहा कि मुआविया को अल्लाह ताला सहाबी होने की वजह से छोड़ दे तो क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं है। फिर कहा कि मुझे तो मुआविया के बारे में सिर्फ एक सही हदीस पता है जो सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है कि खुदा इसका पेट न। हमारा सवाल ये है कि हम्माद चीमा ने मिर्ज़ा जहलमी के बयान करदा इस वाकया की सनद पर तहकीक कर ली थी? अगर तहकीक कर ली थी तो सही सनद इस वाकया की पेश करे। जो भी इस वाकया की सही सनद पेश करेगा उसको हम इंशाल्लाह 1000 रुपया इनाम देंगे, लेकिन इनाम का हकदार वही होगा जो सबसे पहले कमेंट्स में इसकी सही सनद पेश करेगा। और अगर हम्माद चीमा ने मिर्ज़ा जहलमी पर एतमाद करके उसका क्लिप आगे शेयर कर दिया और सनद पर तहकीक नहीं की, इसके बावजूद ऐसे लोग अपने आप को इल्मी किताबी कहलवाएं, क्या इनके लिए डूब मरने का मकाम नहीं है?